वाराणसी के सिविल कोर्ट ने आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को पूरे ज्ञानवापी परिसर की जांच करने का आदेश दे दिया है। यह परिसर वाराणसी में काशी विश्वनाथ मंदिर के पास है, जहां ज्ञानवापी मस्जिद मौजूद है। वैसे तो यह मामला 352 वर्ष पुराना है, लेकिन पिछले कुछ दिनों से बहुत चर्चा में है। इस मामले में हिंदू पक्षकारों का कहना है कि मुगल शासक औरंगजेब ने वर्ष 1669 में काशी विश्वनाथ मंदिर को ध्वस्त करके ज्ञानवापी मस्जिद का निर्माण कराया था, यानी जिस जगह अभी मस्जिद है वहां पहले भगवान शिव को समर्पित असली ज्योतिर्लिंग मौजूद था, लेकिन बाद में औरंगजेब ने मंदिर तोड़वा दिया और मस्जिद बनवा दी। और अब कोर्ट ने इसकी साक्ष्य ढूंढने के लिए आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को सर्वे के लिए आदेश दिया है, और ये काफी महत्वपूर्ण फैसला है। कोर्ट ने ज्ञानवापी परिसर की खुदाई के लिए आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को 5 मेंबर्स की एक टीम बनाने के लिए कहा है, जो सर्वे का काम का नेतृत्व करेगी। महत्वपूर्ण बात यह है कि 5 लोगों की इस टीम में 2 मेंबर मुस्लिम समुदाय से भी होंगे। इस मामले में अदालत के फैसले के बाद मुस्लिम पक्षकारों में नाराजगी जताई है। सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड ने इस मामले में हाईकोर्ट का रुख करने का फैसला किया है। बोर्ड की दलील है कि यह मामला पहले से इलाहाबाद हाईकोर्ट में विचाराधीन है, ऐसे में सिविल कोर्ट का फैसले का महत्व ज्यादा नहीं रह जाता, यानी अब इस मामले में हाईकोर्ट जाने की तैयारी हो गई है। हालांकि मुस्लिम पक्ष अपनी इस दलील के पीछे 1991 में बने प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को आधार बता रहा है, क्योंकि इस कानून के अनुसार देश में धार्मिक स्थलों पर 15 अगस्त 1947 के दिन की यथास्थिति लागू है और सिर्फ अयोध्या मामले को इसका अपवाद माना गया। असल में इस मुल्क में जिस तरह की हुकूमत का दौर है, ये हुकूमत के पास कोई काम ही नहीं है सिवाय हिंदू मुस्लिम करवाने के। ये इतनी बड़ी बुजदिल हुकूमत है, ये फ्रंट पे आके कुछ तो कर नहीं सकती, तो ये पीठ पीछे कुछ ऐसे दलालों को, ऐसे दहशतगर्दों को, ऐसे आतंकवादियों को आगे बढ़ाती है जो मज़हब के नाम पे आतंक फैला रहे हैं। 1955 में पार्लियामेंट में कानून पास हो चुका है कि आज़ादी के बाद सिवाय बाबरी मस्जिद को उन्होंने अलग रख कर ये फैसला किया था कि जो मंदिर है वो मंदिर रहेगी, जो मस्जिद है वो मस्जिद रहेगी। अब ये चाहते हैं कि उस कानून को ये ख़त्म करें, क्योंकि इनको बहुत सारी मस्जिदों को डेमोलिश करने का इनका प्लान है। अभी ज्ञानवापी मस्जिद है, फिर मथुरा जाएंगे, फिर काशी जाएंगे, और एक बाबरी मस्जिद के फैसले पर मुसलमानों के सब्र और ज़ब्त का इम्तिहान देखने के बाद ये पूरी मुस्लिम कौम को बुजदिल समझते हैं। कहीं ना कहीं हो सकता है हमारी कमज़ोरी कुछ हो, लेकिन किसी को उतना ही दबाना चाहिए। स्प्रिंग को आप एक लेवल तक दबाते हैं, वरना जब स्प्रिंग पलट के लगती है तो बहुत बुरी लगती है। कहीं ऐसा ना हो कि ये फटे, इतना बुरा फटे कि हम तो मिटे हैं सर, हम तुमको मिटा जाएंगे, ये वाला वाकया ना हो। इसलिए हर उस फिरका परस्त ताकत से, हर उस हुकूमत से हम कहते हैं कि मस्जिद मंदिर की जंग ख़त्म करो, ये सियासत ख़त्म करो, वरना तुम पिछले 50 साल से, पिछले 5 साल से जो आतंक कर रहे हो, समझे, एक वक्त आएगा तुम्हारे खात्मे का, और कहीं इसका रिएक्शन आया या उससे पहले कहीं रिएक्शन आया तो वो सबके लिए नुकसानदेह होगा। हम शौक़ शहादत के साथ अगर इंशाल्लाह आगे बढ़े, अगर हम शौक़ शहादत के साथ आगे बढ़े तो हम अपनी जान कुर्बान करेंगे इंशाल्लाह ताला। एक बार सब्र का हो गया मामला, दो बार हो गया, बार बार खेल मत खेलो। जब ये मुल्क आज़ाद हुआ, हिंदुस्तान पाकिस्तान दो हिस्से बने, उस वक्त ये तय हो गया था कि जो चीज़ें जैसी हैं वैसी रहेंगी, 1947 की पहले की कोई बात दोहराई नहीं जाएगी। लेकिन एक बाबरी मस्जिद का मसला था जो कि अंग्रेज़ों के ज़माने से चला आ रहा था। ठीक है, बाबरी मस्जिद में भी ये नहीं हुआ कि वहाँ मंदिर पहले नीचे थी, कोई भी डिपार्टमेंट ने ये खोज नहीं बताया, और जज साहब ने जो फैसला दिया वो मेजॉरिटी के की मांग के ऊपर किया कि मेजॉरिटी चाहती है कि हाँ मंदिर बने, इसलिए उसको दिया। अगर मेजॉरिटी पे फैसला होने लगा तो माइनॉरिटी क्या करेगी देश के अंदर? अगर पार्लियामेंट के अंदर मेजॉरिटी खड़ी होकर के फैसला करते जावे कि हर काम जो है मेजॉरिटी के फेवर में होगा, माइनॉरिटी ख़त्म, तो इसका मतलब माइनॉरिटी को इज्जत ही नहीं, कोई वैल्यू नहीं। संविधान जो बना है, संविधान में सबको इक्वल राइट मिला हुआ है, संविधान के हिसाब से काम चलना चाहिए। परंतु आज को मैं कोर्ट को कुछ कहूँगा तो मुझे, मेरे ऊपर एक कंटेम्प्ट हो जाएगा, लेकिन 4 जजेस सुप्रीम कोर्ट से निकल कर बोले कि जो मुल्क की हालात है वो सही नहीं है, जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला हुआ है बाबरी मस्जिद के बारे में, मैं ये दावे से कह सकता हूँ वो फैसला कानूनी फैसला नहीं है, बल्कि मेजॉरिटी को खुश करने वाला फैसला है। अब ये जो हो रहा है ये गलत हो रहा है। इस तरह से अगर जजेस ऑर्डर देते जाएंगे और मेजॉरिटी के लोग दबाव डाल करके कोर्ट पे प्रेशर डाल करके फैसले कराएंगे, मुझे लगता है फिर इस मुल्क में आपसी ताल्लुकात मुस्लिम हिंदू के जो बने बनाए हैं वो सब बर्बाद हो जाएंगे। हमारा मुल्क एक ऐसी तहजीब वाला मुल्क है, गंगा जमुनी तहजीब जो हज़ारों सालों से चली आ रही है वो बिल्कुल से बर्बाद हो जाएगी। अब देखिए, वहाँ की बनारस की जो मस्जिद है, बनारस के अंदर एक पंडित की बेटी को
औरंगज़ेब रहमतुल्लाह अलैह के हुकूमत में कोई बड़ा ऑफिसर था, उसने पंडित की लड़की के ऊपर गलत नज़र डाला था, तो औरंगज़ेब रहमतुल्लाह अलैह ने उसको हाथ पकड़ के उसको फाड़ दिया, हाथी से खिंचवा दिया उसको वो पंडित लोग खुश होकर के उन्होंने वहाँ मस्जिद बनवाई औरंगज़ेब रहमतुल्लाह अलैह की नमाज़ पढ़ने के लिए। ये इस देश की खूबसूरती है कि हिंदू मुसलमान मंदिर मस्जिद सब साथ में रहते हैं। इस मुल्क में कोई सेकुलर पार्टी है नहीं, पहली बार सबसे बड़ा झूठ ये है, कोई सेकुलर पार्टी नहीं है, सेकुलर खुद एक गाली है, सेकुलर सबसे बड़ा झूठ, इस मुल्क का सबसे बड़ा झूठा लफ्ज सेकुलर है। बस ये है कि कोई बहुत बड़ा नाग है, कोई बिच्छू है, कोई चिपकली है, जहरीले सब हैं, सब ने डसा है, मुल्क को डसा है, मुसलमानों को डसा है, अकलियत को डसा है, दलितों को डसा है, पिछड़ों को डसा है, सब ने डसा है। तो ये है सब एक ही थाली के छट्टे बट्टे, कोई अजदहा है तो कोई सांप है, कोई नेवला है तो एक छोटे छोटे बड़े हैं, छोटा भाई बड़ा भाई, तो कोई सेकुलर नहीं है। और जो मुस्लिम नेता हैं इल्ला माशाल्लाह, मैं सबके बारे में तो नहीं कहता, लेकिन सबसे पहले वो नेता अपनी पार्टी के होते हैं, मुसलमानों के बाद में होते हैं। देखिए, पहले तो ये समझना चाहिए कि जो बाबरी मस्जिद का जो वर्डिक्ट आया था उसके अंदर जो है उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने कुछ ऑब्जर्वेशंस किए थे, जो ऑब्जर्वेशंस जो थे वो एक स्पेशल इनैक्टमेंट है, दी प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991, उसके ताल्लुक से सुप्रीम कोर्ट ने कुछ ऑब्जर्वेशंस किए थे कि वो एक इनैक्टमेंट ऐसा है जो रिलीजियस कैरेक्टर किसी भी प्लेस ऑफ वर्शिप का जो उसको प्रोटेक्ट करता है, और उस एक्ट की जो है सुप्रीम कोर्ट ने अप्रिसिएशन की थी बाबरी मस्जिद के वर्डिक्ट के अंदर, और कहा था कि जहाँ तक ये एक्ट है ये बाबरी मस्जिद डिस्प्यूट को अप्लाई नहीं होता है, उसके अलावा दूसरे सभी रिलीजियस जो प्लेसेस ऑफ वर्शिप है उनको अप्लाई होता है, और इसके लिए ये एक्ट बहुत अच्छा एक्ट है, और इस एक्ट के रहते हुए आगे जो है इस तरीके का और डिस्प्यूट नहीं होना चाहिए। ये ऑब्जर्वेशन सुप्रीम कोर्ट के बाबरी मस्जिद के केस में थे, मोहम्मद सिद्दीक के केस में, और ये जो ऑर्डर पास हुई है इसी तरीके से दूसरे भी एक दो कोर्ट्स ने सिमिलर ऑर्डर्स पास किए हैं और ऐसे सूट्स और प्रोसीडिंग्स को एंटरटेन किया है जो एक प्लेस ऑफ वर्शिप के रिलीजियस कैरेक्टर को कन्वर्ट करने के लिए पिटीशन फाइल किए गए थे। ये जो ऑर्डर पास हुई है, जो जो भी कोर्ट्स ने ये सूट्स को एंटरटेन किए हैं, ये ऑर्डर जो है इलीगल है और वो टोटली कॉन्ट्रवीन करते हैं प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के जो प्रोविजंस है उसको भी, और जो सुप्रीम कोर्ट के जो ऑब्जर्वेशंस है बाबरी मस्जिद केस में उसको भी कॉन्ट्रवीन करते हैं, क्योंकि सेक्शन 3 जो है प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का वो क्लियरली कहता है कि नो पर्सन शैल कन्वर्ट द रिलीजियस कैरेक्टर और द प्लेस ऑफ वर्शिप ऑफ वन रिलीजियस डिनोमिनेशन इनटू अ डिफरेंट प्लेस ऑफ वर्शिप ऑफ अनदर रिलीजियस डिनोमिनेशन। और सेक्शन 4 जो है इस एक्ट का वो साफ कहता है कि कोई भी प्लेस ऑफ वर्शिप हो जिसका रिलीजियस कैरेक्टर 15 अगस्त 1947 को जो है वो ही रहेगा, उसको चेंज नहीं किया जाएगा। और ये एक्ट जो आया ये 11 जुलाई 1991 को आया है, और उस कमेंसमेंट ऑफ द एक्ट जब होता है, उस एक्ट के कमेंसमेंट के वक्त अगर किसी भी कोर्ट में कोई भी सूट अपील या प्रोसीडिंग पेंडिंग हो जो इस कॉन्टेक्स्ट में फाइल की गई हो किसी प्लेस ऑफ वर्शिप का रिलीजियस कैरेक्टर कन्वर्ट करने के लिए या चेंज करने के लिए, तो ये सूट और अपील होगी ये अबेट हो जाएगी और ये जो है प्रोसीडिंग पेंडिंग नहीं रह सकती, और इसके बाद में भी इस तरह के कोई नए सूट अपील या प्रोसीडिंग फाइल नहीं हो सकते। तो ये जो लोअर कोर्ट्स ने जो अपील जो एंटरटेन किए हैं या जो पिटीशन हो या सूट एंटरटेन किया हो ये इस स्पेशल इनैक्टमेंट के बिल्कुल खिलाफ है। मैं वार्निंग देता हूँ लोगों को कि ये चीज़ें बंद करो, जो चीज़ें जैसी थी वैसे रहने दो। मैंने नहीं सुना कि आज तक कोई मुसलमान कहीं खड़ा हुआ हो जहाँ मुसलमान की मेजॉरिटी जिस एरिए में हो और उसने कभी कहा हो कोई मंदिर को यहाँ ख़त्म कर दो। हम मंदिर मस्जिद साथ में चलाना चाहते हैं, देश के अंदर भाईचारगी बढ़ाना चाहते हैं, इन चीज़ों पे कहीं ना कहीं रोक लगना चाहिए, और जो सेशन कोर्ट का ऑर्डर है वो बिल्कुल उस ऑर्डर को रोक दिया जाए, और अब 1947 के बाद किसी मस्जिद मंदिर के झगड़े में नहीं करना। जो बादशाहों ने पहले किया, मुगलों ने किया, वो क्या मुझे नहीं मालूम सही क्या गलत क्या है, जो किया किया, लेकिन 1947 से हमारा भारतवर्ष एक नई सरकार के अंतर्गत आज़ाद हिंदुस्तान है, यहाँ ये सब चीज़ें नहीं होना चाहिए। देखिए, हमारी राय तो ऐसी है कि ये सब ऑर्डर्स को जो है हाई कोर्ट में चैलेंज करना चाहिए इसी ग्राउंड पर कि ये इलीगल है एंड दे वायलेट द प्रोविजंस ऑफ दी प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991। उसके अलावा भी क्योंकि ये मुद्दा जो है ये कम्युनल जो टेंशन फैला सकता है, ऐसे प्रोसीडिंग्स जो है वो पुराने जो हिस्ट्री में चीज़ें हुई है
उसको जो है रिवर्स करने की कोशिश कर रहा है। जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ये एक्ट जो है इट प्रिजर्व्स द कम्युनल द सेकुलर फैब्रिक ऑफ द नेशन एंड इट ऑल्सो प्रिवेंट्स रेट्रोग्रेशन, यानी जो है पुरानी जो स्थिति एक वक्त पे थी उसको रिस्टोर करने की कोशिश की जा रही है, जिससे जो है ये कम्युनल बैटल्स में लीड किया जाएगा लीगल कोर्ट्स में। तो सुप्रीम कोर्ट ने भी सुओ मोटो ऐसे जहाँ पर भी प्रोसीडिंग्स फाइल हो रहे इन प्रोसीडिंग्स को सुप्रीम कोर्ट ने जो है सुओ मोटो अपनी तरफ बुलाना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट में इनको जो है ट्रांसफ़र करके इसको स्टे कर देना चाहिए, ताकि पूरे कंट्रीज़ में इसी तरीके जो है सिमिलर लिटिगेशंस ना हो और जो है इंडिया का जो है कम्युनल फैब्रिक है वो डिस्टर्ब ना हो। ये सरकार बिल्कुल सांप्रदायिक है, सरकार ने इस देश को बर्बाद कर दिया है। आज लोग दाने दाने के लिए मोहताज हैं। हमारे मैं एक चीज़ क्या बताऊँ, ये कोरोना नहीं बल्कि बहुत सारी चीज़ें इस देश में। आज लोग रोटी रोटी के लिए मोहताज हो गए हैं। हमारे जो तालुकात नेबरिंग कंट्रीज से सबसे ख़राब होते जा रहे हैं। तो इन चीज़ों को देखते हुए मैं समझता हूँ कि मोदी जी सिर्फ और सिर्फ धर्म के नाम पर यहाँ की मेजॉरिटी को बेवकूफ़ बनाकर जज्बात से खेल करके सरकार चलाना चाहते हैं। मंदिर मस्जिद काम आने वाली नहीं है। मंदिर मस्जिद लोगों की अपनी ज़ाती चीज़ें हैं, वो उसमें जो नमाज़ पढ़ना पड़े किसी बड़े राइटर ने लिखा है, अमेरिकन राइटर ने, कि जो सरकार मंदिर मस्जिद का मसला लाए वो सरकार समझो किसी बहुत ही गलत आदमी के हाथ में सरकार चल रही है। जो सरकार डेवलपमेंट का मुद्दा लाए समझो कि वो सरकार अच्छी चलती है। तो ये सिर्फ़ और सिर्फ मंदिर मस्जिद हिंदू मुस्लिम NRC और तीन तलाक कॉमन सिविल कोड इस तरह की चीज़ें लाकर यहाँ की मेजॉरिटी को बेवकूफ़ बना रहे हैं। मेजॉरिटी को खुद होश में आ जाना चाहिए कि आज ये सरकार सारी चीज़ें बेच रही है। एयर इंडिया बिक जाएगा तो प्राइवेट के हाथ में आ जाएगा, नौकरी किसकी जाएगी? मुसलमान तो 1% काम करता है, 99% उसमें गैर मुस्लिम काम करते हैं, हमारे हिंदू भाई, रिजर्वेशन है उनका, OBC SC ST सब खत्म हो जाएगा। लोग काम करते हैं सरकारी महकमे में तो 8 घंटे में 6 घंटे काम करते हैं, 2 घंटे घूमते हैं, तनख्वाह ज़्यादा मिलती है। अभी प्राइवेट हो जाएगा तो 12 घंटे काम करने पड़ेंगे, रिजर्वेशन सब खत्म हो जाएगा, रेवेन्यू बिक जाएगा, किसकी नौकरी उसमें ज़्यादा है? उसमें ज़्यादा नौकरी गैर मुस्लिमों की है, मुसलमानों की 2% होगी शायद, नुकसान किसको होने वाला है? इस तरह से देश की सारी मिल्कियत को बेचा जा रहा है और सब नौकरी जाने वाली है तो हमारे गैर मुस्लिम भाइयों को जाने वाली है। उन्हें इस तरह से धर्म के नाम पर मोदी के बहकावे में नहीं आना चाहिए। देश के संविधान को बचाते हुए भारतवर्षीय गंगा जमुनी तहजीब को बचाने के लिए हम सबको इकट्ठा होना चाहिए।